नगर निगम की लापरवाही से सड़कों पर लगे गंदे पानी की वजह से वैक्सीन कैंप में लोगों की संख्या में दिखी कमी। मामला नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 का है, जहां बारिश से गंदे पानी का जल जमाव हो गया है और कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार की ओर से कैंप लगाकर दिए जा रहे वैक्सीन लेने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोग वैक्सीन सेंटर तक गंदे पानी को पार कर आना जाना नहीं चाहते हैं। पूर्व पार्षद मुन्ना खान ने बताया कि कैंप लगने व जल जमाव की सूचना नगर निगम को दो दिन से लगातार दिया जा रहा है, बावजूद इसका निदान नहीं किया गया। नगर निगम पिछली बार पंपिंग सेट के द्वारा जल निकासी कर दी थी, इस बार भी अगर समस्या का समाधान कर दिया होता तो निश्चित तौर पर इस बार भी लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी रहती, लेकिन इस बार कैंप लगने के बावजूद मात्र 40 लोग ही वैक्सीन ले सके। खान का समरकंदिया और उसके आसपास के मोहल्ले के लोग इस जल जमाव से बहुत परेशान हो चुके हैं। जा रहे हैं वैक्सीन लेने, क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है? पड़ना है कि पानी हिल के जाना पड़ रहा है। कितने नंबर वार्ड में हैं? कितने नंबर वार्ड? 29 वार्ड। नगर निगम की उदासीनता के कारण में सब लोग आए हुए, देखिए सारे लोग मौजूद हैं वैक्सीनेशन यहाँ पे लगाने के लिए। वैक्सीन की जो सेविका है, सहायिका है, हमारे जो आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका, मतलब जितने लोग हैं सब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आने की वजह, आज लोग नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जिस रोड होके आना है उस रोड में पूरा पानी लगा हुआ है। नगर निगम ने को पिछली बार हमने कहा था कि यहाँ का पानी निकाला जाए, तब यहाँ पर लोग आएंगे। इसीलिए जब पानी निकल गया, रास्ता खुला हुआ था, तो लोग यहाँ पर आके अपना वैक्सीन किए, अपना वैक्सीन लिए। लेकिन इस बार क्या है कि पूरा नाला को इंक्रोच कर लिया है लोगों ने, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा भी बारिश होता है तो हर घर में, रामगंज के मतलब जो पोखर के नाले इतना घर है, सब में पानी चला जाता है, तो उससे दिक्कत ये हो रही है कि लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, इस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। इंजेक्शन लेने आ रहे हैं, उसमें क्या परेशानी हो रही है? देखिए ना, आपके सामने है सर।